खबर है बलिया से। बलिया के जनपद के अंतिम छोर स्थित ग्राम सभा अमवा में कोटे की दुकान का मामला प्रकाश में आया है। यहां लोगों का आरोप था कि कोटेदार मानक के रूप में राशन वितरण नहीं कर रहा है, जिसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारे रिपोर्टर ग्राम सभा अमवा पहुंचे, जहां लेखपाल एवं नरही पुलिस की देखरेख में राशन वितरण हुआ। जब लेखपाल एवं आम जनता से पूछा गया कि क्या कोटेदार मानक के रूप में राशन वितरण कर रहे हैं या नहीं, उपस्थिति सभी लोग ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ मानक के अनुसार राशन वितरण हो रहा है। इस विषय बिंदु पर कोटेदार सुबोध राम से पूछा गया कि आपके ऊपर हमेशा आरोप लगता है, आप मानक के अनुसार राशन नहीं वितरण कर रहे हैं। उसका कहना है, आप जनता से पूछ लीजिए कि मैं मानक के रूप में राशन वितरण करता हूँ या नहीं। कोटेदार का कहना है कि राजनीतिक दुवेस्ता के चलते हमें परेशान किया जा रहा है, जो सरकार का आदेश है उसी का मैं पालन करता हूँ। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से भीम बली सिंह की रिपोर्ट। अपना नाम बता दीजिए। ये बताइए कि आपका कितने यूनिट का राशन कार्ड है? मेरा कार्ड पर एक ही नाम है और मेरा अबू का नाम पर 500 लड़का। तो कितना, अगर इसमें एक नाम है तो कितना आपको राशन मिलता है? 5 किलो मिलता है। 5 किलो मिलता है जी। कम तो नहीं मिलता है इससे? नहीं। क्या 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 राशन में मिलता है? गेहूँ चावल मिलता है। दोनों मिलता है? ऐसा तो नहीं है कि 2 किलो चाहे 3 किलो, ऐसा सब कोई मैटर कैसे मिलता है? गेहूं और चावल कितना कितना मिलता है? गेहूं चावल दोनों मिला के 5 किलो मिलता है। ठीक। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुबोध राम है, मैं ग्राम सभा अमाव का कोटेदार हूँ। जी सुबोध जी, ये बताइए कि आप पर आरोप लगता है कि आप सही तरीके से राशन वितरित नहीं करते हैं, लोगों के बीच में हिला हवाली करते हैं, धांधली करते हैं जो राशन देते हैं, तो क्या ऐसा मामला सही है कि क्या है? ये सब गलत है और राजनीतिक भावना में लेकर के लोग जो है अपना जो है इस तरीके की बात जो करते होंगे। रही बात कि आप कार्ड धारक जो है उससे आप पूछ सकते हैं, मशीन लगी हुई है, पर्ची जो निकलती है उस हिसाब से, उस समय कोई नहीं बोलता है, वितरण करने के बाद जो है हो सकता है कोई अपना एंट्री जो है अपना शिकायत करता होगा। आप जो है कार्ड धारकों से पूछ लीजिए, पता कर सकते हैं गांव में जा करके, या वितरण हो रहा है उस समय आप आकर के देख लीजिए। आपके यहाँ कितने वर्षों से ये कोटे की दुकान है? मेरा 2011 से है। और आज तक काफ़ी का है जी। तो बार बार क्यों आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है, क्या वजह है? कुछ तो वजह होगा कि जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है। राजनीतिक भावना को लेकर के सब कर रहे हैं इस तरीके से जी। अन्यथा कार्डधारकों से पूछ लीजिए, जो गांव में जो लोग हैं जो कार्डधारक हैं उनसे पता कर ले जाए, वो बताएंगे ना मुझे कितना मिलता है। क्या नाम है दादी? हम दुलारी नाम है। दुलारी। को आदमी के राशन कार्ड में आपके को आदमी के नाम बा? हम 4 आदमी बनी अपन अकेले, आ 4 गो लड़का कर रहा। तो 4 आदमी हम ही के बन। 4 आदमी पर कितना राशन मिलेगा आपके? 4 आदमी गेहूँ ले चावल। गेहूं चावल कितना कितना मिलेगा? 12 किलो गेहूं और चावल 10 किलो। 12 किलो गेहूँ तब तो 8 किलो ना चावल मिलत हुई। हाँ। तो कोटेदार से आप लोग संतुष्ट मानी जा कि राशन सही से देवेलन कि सही से दे, मतलब चोरी ना कर लन राशन के? अभी तो देखे नहीं हम तो पढ़ लिख, मतलब कि तुम्हारा के 1 आदमी पर 5 किलो राशन के सरकार के नियम बा, तो यानी कि 4 आदमी कहते हैं तो 20 किलो मिला था। हाँ। कम तो ना मिलेगा? 5 किलो 1 आदमी पर 5 किलो से कम केहू के मिलत हो के तो बताओ आदमी? कम ना मिलेगा के झूठ हो। नाम बताइए। ओम प्रकाश शर्मा। ये बताइए ओम प्रकाश जी कि कितने यूनिट का आपका राशन कार्ड है? 6। कितना राशन मिलता है? 30 किलो। 30 किलो मिलता है।
ऐसा तो नहीं है लोग, मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ के कोटेदार सही तरीके से नहीं बांटते हैं, ये सब मामला कहाँ तक सही है? पहले नहीं था, काट पीट होता था बगैर तो सही है। पहले दूसरे के यहाँ कोटा था कि इन्हीं के यहाँ? इन्हीं के। पहले कितना मिलता था? वही 1 किलो कम देते थे। अब पूरा मिल रहा है? अब पूरा मिल रहा है। कितने महीने से पूरा मिल रहा है? जब से फ्री का राशन है। फ्री का राशन जब से हुआ है, यानी कि 2-3 महीने से आपको पूरा मिल रहा है? जी। जी सर, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कमलेश कुमार वर्मा है, लेखपाल मैं यहाँ का हूँ। आज के दिन ये प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में आज नोडल अधिकारी के रूप में आपको नियुक्त किया गया है। और आप किस गांव में आए हैं? ये अमाव ब्लॉक सुहाव है। ये बताइए सर जी कि आप कितने बजे यहाँ पर आए हैं? हम तो यहाँ आ गए थे 10 बजे। और जब से आप आए हैं लोगों को राशन वितरण का कार्य चल रहा है यहाँ पे, क्या लोग संतुष्ट हैं राशन से या धांधली हो रही है? हमको तो यहाँ जब से आए हैं तब से कोई धांधली यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। और लोगों ने पहले भी, जैसे कि लोग भी कहते होंगे कि अधिकारी आए हैं, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि नहीं अधिकारी साहब आए हैं, इनसे कहा जाए कि हम लोगों को ऐसे राशन दिया जाता है, क्या ऐसा भी कोई शख्स आया आपके सामने जो कहा हो कि नहीं राशन सही तरीके से नहीं वितरित किया जा रहा है? अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है। ठीक, नाम बताओ बाबा। गिरजा राम। गांव के नाम का है आपके? अमाव। को जाना लोग के आपके राशन में कार्ड में को आदमी के नाम बा? दो आदमी के नाम को बाटे। कितना राशन मिलेला? कबो आदमी को 5 किलो, कबो 35 किलो। कबो 5 किलो, कबो 35 किलो, ये कैसन कहे 5 किलो 35 किलो मिलेला? ललका कौन कार्ड है? ललका ललका है। ठीक है, ठीक है।